गोवर्धन बस स्टैंड कैंपस में मिला साधु का शव। ऐसी मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत बस स्टैंड का है, जहां एक साधु का शव मिलने से मची खलबली। हम आपको बताते चलें कि बस स्टैंड पर शाम होते ही बहुत से साधु आकर रात्रि विश्राम के लिए अक्षय लेने के लिए आते हैं। इसी के चलते आज एक साधु जो कि रात्रि में विश्राम के लिए बस स्टैंड में आया हुआ था तथा सुबह सफाई कर्मी ने सफाई करने के लिए उसे जगाया तो वह मृत महसूस हुआ, जिसकी सूचना थाना गोवर्धन पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु का शव को कब्जे में लिया और उसकी शिनाख्त शुरू कर दी। उसके बैग से मिले कागजों के मुताबिक मृतक की पहचान राधेश्याम निवासी गांव बहटा पोस्ट सलेमपुर जिला हाथरस के रूप में हुई। पुलिस ने सबका पंचनामा भर सबको पोस्टमार्टम के लिए मथुरा भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चौहान है। आप यहाँ बस स्टैंड पर किस पोस्ट पर तैनात हैं? आप यहाँ बस स्टैंड पर रोडवेज के कर्मचारी हैं। आज जैसा कि यहाँ पे एक डेडबॉडी पाई गई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में ये कहना है कि यहाँ पे तो असहाय लोग, साधु संत, यात्री लोग आते जाते रहते हैं, पता नहीं कब आए वो और कब खत्म हो गए। सुबह सुपर आया तो उसने देखा झाड़ू लगाने के लिए उठाया गया तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि और भी साधु फोन को सूचना करी, पुलिस को सूचना करी गई जी, उसको बुलाया गया। तो जैसा देखा जाता है आपके यहाँ काफी साधु यहाँ सोते रहते हैं तो ये तो तीर्थ स्थान है, इस पर यात्री लोग हैं, साधु हैं, आने जाने वाले दिन रात आते जाते ही रहते हैं।